सेकेंड बात, आपने कहा कि वो उजेंद्र पैलेस के सामने सुजुसेन और खुदीराम बोस का मूर्ति को हटाने के लिए, मेरा ये सोचना है कि ठीक है कि वो वहां में नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर आज वहां में सुजुसेन और खुदीराम बोस का वहां में अगर एक मूर्ति है तो उसको नहीं हटा के महाराजा का एक और दो तीन मूर्ति लगाया जाए, किसी को हटाइए मत। ये बहुत खराब कल्चर है इंडिया में जो हम देख रहे हैं कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद, मस्जिद को तोड़ के मंदिर, चर्च को तोड़ के मंदिर, हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है। किसी को तोड़ने से, किसी का मूर्ति को तोड़ने से आप किसी को अपने आप को इज्जत नहीं दे रहे, आप अलग से करो। ये जो नफरत का राजनीति है या पॉलिटिक्स है, इसको छोड़ दो, आप बनाओ अच्छे तरीके से बनाओ, लेकिन किसी और का, इसमें खुदीराम बोस का और सुरजू सिंह का क्या गलती था? जिसने बनाया उन्होंने अपने वजह से बनाया, उनको एक मैसेज देना था, उनको पिपरा साहब को नीचे दिखाना था, तो उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन उसमें खुदीराम बोस और सुरजीत सिंह का कुछ गलती नहीं। जिसने स्वामी विवेकानंद ग्राउंड अस्तबल से हटाकर बनाया, उनको अपना मैसेज देना था। मैं बोल रहा हूं कि वो है, रहने दो, स्वामी विवेकानंद को मैं भी बहुत इज्जत करता हूं, खुदीराम बोस और सुरजीत सिंह ने भी बहुत अपनी जगह में सेक्रीफाइस किया। आप नया बनाओ, एक और अच्छा आलीशान बनाओ, लेकिन किसी को बेइज्जत करके अपना इज्जत नहीं बढ़ता है। ये बात मैंने शास्त्र में भी सीखा है, ये बात मैंने हर धर्म में, हर मजहब में, चर्च में सीखा है, मंदिर में सीखा है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में सीखा है, कुरान में भी सीखा है कि किसी का बेइज्जती करने से आपका इज्जत नहीं बढ़ता है। आप अपना इज्जत, अपना सम्मान, आप लोग हानि बुसा है, आप लोग हानि बुसा है, आपको प्रमाण देने का कोई दरकार नहीं है कि ये जगह आपका है, ये राज्य आपका है, ये धरती आपका है।